Hello student, today we will study Osteithes classification part 2. इससे पहले हमने Osteithes की जो basic classification के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने बताया था जो fishes हैं, Osteithes जो fishes होती हैं, उनको 3 sub classes के अंदर divide किया गया है, Acanthidoi, Actinotergi और सार्कोटर्जी। इन जो अकेंथीडोई है उनको हमने बताया था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जो सार्कोटर्जी है जिनको लॉब फिशेस बोलते हैं, जो कि आज के टाइम पे लिविंग स्पीसीज है, उनकी डिफरेंट जो ऑर्डर थे वो हमने देखे थे। आज हम Osteithes की जो नेक्स्ट सुपर क्लास सब क्लास है दैट इज एक्टिनोटर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है रे फिन्ड फिशेस। ये पेयर्ड फिन्स होते हैं, इनके अंदर थिन होते हैं, ब्रॉड होते हैं, विदाउट फ्लैशी बेसल बोन और वो जो है वो डर्मल फिन रेस के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें हमने लो फिन्स में बताया था कि वो सिंगल बोन के द्वारा सपोर्टेड होते हैं और उसकी जो फिन्स होती है वो वेब विद फ्लैशी स्किन। तो यहाँ पर ये जो रे फिन फिशेज होती हैं, इनके अंदर 2 डोर्सल फिन प्रेजेंट होते हैं और वो डिवाइडेड भी हो सकते हैं। कोडल फिन जो है विदाउट एपी कॉन्ड्रल लोब के, एपी का मतलब होता है बिलो, कॉन्ड्रल में नोटोकोड के नीचे का रीजन, तो वो एब्सेंट होता है या उसके बिना जो है कोडल फिन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो वर्टिब्रल है वो कोडल फिन के अंदर एंटर नहीं कर पाती। बॉडी इज कवर्ड बाय साइक्लोइड, टिनोइड, गैनोइड स्केल और कंप्लीटली एब्सेंट भी हो सकते हैं। गिल स्लिट जो है वो कवर्ड होते हैं ऑपरिकुलम के द्वारा, स्पाइरेकल जो है वो एब्सेंट होते हैं। जो ऑल्फैक्टरी सैक है जो कि मेनली सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो माउथ कैविटी के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता। इंटरनल नेरीज जो है वो एब्सेंट होते हैं। रे फिन फिशेज जो है मोस्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स हैं जो कि आज के टाइम पर अलाइव है। और क्यों है, उनके अंदर बोथ, अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल देखते हैं, तो दोनों को देखते हुए ये सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं और ये 96% फिशेज को कवर कर लेते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर की हो चाहे वो मरीन एनवायरनमेंट में मिलने वाली फिशेज हो। एक्टिनोटर्जी जो है उसको 3 इंफ्रा क्लासेस या सुपर ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉन्ड्रिस्टेई, होलिस्टेई और टीलोस्टेई। इनके अंदर बहुत सारी मरीन बोनी फिशेज हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस है, स्प्लेंडन है, एक्सोसीटस है, लोफिस है, इनको डिफरेंट जो है जनरल नेम से जानते हैं, सी हॉर्स है, फ्लाइंग फाइटिंग फिश है, फ्लाइंग फिश है, एंगुलर फिश है। उसी के द्वारा फ्रेश वाटर में मिलने वाली लेबियोरोहिता जो कि बहुत ही कॉमन है, राहु बोलते हैं उसको, रोहू, क्लेरियस है जो कि वॉकिंग कैटफिश बोल देते हैं, लेबियो कैटला, कैटला, मिस्टर्स कैटफिश, मेनली जो कैटफिशेस जो है वो फ्रेश वाटर बोनी फिशेस के अंदर आती हैं। और बहुत सारी ऐसी एक्वेरियम बोनी फिशेस भी होती हैं, जैसे बैटा है, पेट्रो टेरोफाइलम है, एंगल फिश बोल देते हैं। एक्टिनोटर्जी जो है उसको 3 इंफ्रा क्लासेस और सुपर ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया है, कॉन्ड्रिस्टेई, होलोस्टेई और टीलोस्टेई। ये आप डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस की देख सकते हैं जो कि एक्टिनोटर्जी ग्रुप के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। अब देखेंगे इनके अंदर डिफरेंट वैरायटी है, शेप अलग है, उनके जो फिन्स की जो है वो स्ट्रक्चर अलग है, उनके माउथ का जो है वो भी आपको बहुत सारी वेरिएशन जो है देखने को मिल रही है। सुपर ऑर्डर कॉन्ड्रिस्टेई जो है ये प्रिमिटिव रे फिन फिशेज है, इनको इनके अंदर जो है कार्टिलेजस, गेनोइड जो है, गेनोइड स्केल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। टेल फिन हेट्रोसेक्रल होती है, अनइवन लोब रहते हैं इनके। स्केल जो है यूजुअली हमने बताया गेनोइड होते हैं। माउथ की ओपनिंग जो है बहुत बड़ी होती है। इनके 2 ऑर्डर्स हैं,
पॉलीटेरिफॉर्मिस, जिसमें रोम्बोइड शेप के जो है गैनोइड स्केल देखने को मिलते हैं, डोर्सल फिन जो है 8 और मोर फिनलेट्स होते हैं उसके अंदर, यानी कि आप यहां देख सकते हैं डोर्सल फिन जो है वो आपको डिवाइडेड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। पेक्टोरल फिन स्मॉल प्रोमिनेंट स्केल कवर्ड करते हैं जो कि फ्लैशी लोब से मिलकर बना होता है, ओसिफाइड स्केल्टन होता है, स्पाइरेकल प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ देखेंगे ओसिफिकेशन होनी शुरू हो गई है और स्पाइरेकल भी प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर जो है वो बाइलोब्ड ओपनिंग इनटू द इंटेस्टाइन वेंट्रली, एग्जाम्पल है पोली टेरस जो कि इछीर बोल देते हैं उसको अंदर। आप ऊपर वाली एग्जाम्पल जो है ये फिश जो है इस तरह की दिखाई देते हैं। फिर है ऐसी पेंसरी फॉर्मिस जो कि बॉडी जो है इनकी कवर्ड होती है 5 रो ऑफ बोनी स्क्यूट्स के द्वारा। स्नाउट जो है आप देखेंगे इलोंगेटेड होता है और उसके ऊपर बार्बल्स देखने को मिलते हैं ऑन द वेंट्रल सरफेस के ऊपर। कोडर फिन जो है हेट्रोसेक्रल है। स्केल्टन जो है लार्जली कार्टिलेजिनस होता है, एंडोक्रेनियम कार्टिलेजिनस होता है। जोज के अंदर टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल है एसिपेंसर जो कि स्टर्गन सर्जियन का आप पिक्चर देख रहे हैं। इसके अलावा पोलीडोन है, पैडल फिश बोल देते हैं। जो स्टर्जियन है जो एसिपेंसर है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के बीच में। सुपर ऑर्डर जो सेकंड है दैट इज होलोस्टेई, इसके अंदर गिनोइड और साइक्लोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो ओसिफिकेशन है वो मॉडरेट है। आपने देखा इससे पहले जो कॉन्ड्रोस्टेई था उसके अंदर ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर मॉडरेटली ओसिफाइड एंडोस्केल्टन देखने को मिलता है। इसके भी टू ऑर्डर्स है, एमीफॉर्मिस जो कि थिन ओवरलैपिंग साइक्लोइड स्केल्स होते हैं, आप ये देख सकते हैं पूरी बॉडी के ऊपर जो है साइक्लोइड स्केल प्रेजेंट है। कोडल फिन जो है एबिरेटली जो है एब्रीवेट जो है वो हेट्रोसेक्रल है। लॉन्ग डोर्सल फिन प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। स्नाउट जो है नॉर्मल राउंडेड है। स्पाइरेकल और क्लेविकल एब्सेंट होते हैं और स्विम ब्लैडर जो है वो सिंगल स्विम ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है एनिया जिसको बोफिन बोल देते हैं। सेकेंड ऑर्डर जो आता है वो है सेमी नोटिफॉर्मिस जो कि लेपिडोस्टेरी फॉर्मिस भी बोल देते हैं। इनके स्केल जो होते हैं रोमडियोडल गैनोइड्स और ऑब्लिक रो में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी जो है आप देख सकते हैं इलोंगेटेड हो गई है, अब इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड हो गई है। नेजल ओपनिंग जो है एट द एंड ऑफ जो इलोंगेटेड स्नाउट है उसके टिप पर प्रेजेंट है। कोडल फिन जो है वो एब्रीविएट जो है हेट्रोसेक्रल है। वर्टिब्री जो है कंप्लीटली ओसिफाइड है ओफिस्थोसिलस। एयर ब्लैडर जो है वो सेलुलर है और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लेपिडोस्टियस और लेपिस्टोस्टियस जिसको गार्प वाइन बोल देते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है उनके अंदर देखने को मिलता है। सुपर ऑर्डर थर्ड जो है टेलिस्टेई, जिसका मतलब होता है बोन, कंप्लीट बोन। टेलोस मीने कंप्लीट, ऑस्टेगन मतलब बोन्स, पूरी तरह से बोनी स्केल्टन एंडोस्केल्टन प्रेजेंट होता है। स्केल साइक्लोइड टिनोइड हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। माउथ जो है वो टर्मिनल होता है और साइज उसका छोटा होता है। टेल फिन जो है हेट्रोसेक्रल होती है। एंडोस्केल्टन मोर और लेस बोनी होता है। सिंगल एक्सटर्नल गिल स्लिट ऑन ईच साइड ऑफ द हेड और उसके ऊपर ओपरेकुलम प्रेजेंट होता है। क्लोएका या क्लास्पर जो है वो एब्सेंट होते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। स्पाइरेकल जो है वो लॉस्ट हो चुके होते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जो स्पाइरल वाल थे वो भी एब्सेंट है। कॉनस आर्टेरियोसस जो कि रिड्यूस है।
लेकिन उसकी जगह पर बल्बस आर्टेरियोसस जो है वो एनलार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एडवांस और मॉडर्न रे फिन्ड फिन्ड फिशेज होती हैं ये। इसके बहुत सारे ऑर्डर हैं जिसमें से हम एक एक करके जो है एक्सप्लेन करेंगे। क्लपीफॉर्मीज जो है, क्यूपीफॉर्मीज जो है, उनके अंदर साइक्लोइड स्केल है और वेल डेवलप्ड है। हेड एंड ऑपरकुलम जो है वो स्केल्ड नहीं होते। सिंगल डोर्सल और स्मॉल वेंट्रल फिन विदाउट स्पाइन प्रेजेंट होता है। वेंट्रल फिन में भी एब्सेंट भी हो सकता है और पेल्विक फिन जो है एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। कोडल फिन जो है होमोसेक्रल होता है। आप देख सकते हैं इनके जो कोडल फिन है वो इक्वली डिवाइडेड है इंटू टू पार्ट, इसको बोलते हैं होमोसेक्रल। एयर ब्लैडर जो है फेरिंग्स के साथ कम्युनिकेट करता है। वर्टिबल सेंट्रा जो है कम्प्लीटली ओसिफाइड हो चुका है। नो ऑडिटरी वेसिकल प्रेजेंट। वेब्रियन अपरेटस जो है वो एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है क्लूपिया जिसको हेरिंगर बोल देते हैं और साल्मो, एटलांटिक साल्मोन। ये दो तरह की फिशेज जो है वो हेरिंगर और ये साल्मो आप देख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर जो है क्यूप्रिनिफॉर्मीज या ओस्ट्रकियो फाइसी बोल देते हैं। इनके फिन जो होते हैं आइदर उनके ऊपर स्पाइन प्रेजेंट नहीं होते और डोर्सल एनरोपेक्टोरल फिन जो है उनके ऊपर स्पाइन हो सकते हैं। वेंट्रल फिन जो है वो एब्डोमिनल होता है। एयर ब्लैडर वही फेरिंक्स के साथ कनेक्टेड रहता है। इनके अंदर वेब्रियन जो अपरेटस है जो कि कनेक्टिंग द इंटरनल ईयर विद द एयर ब्लैडर वो प्रेजेंट होता है। इस ऑर्डर के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको टू डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है क्यूप्रिनी और एक है सिलूरी। क्यूप्रिनी में जो है बॉडी जो है वो कवर्ड होती है स्केल के द्वारा और नेकेड भी हो सकती है, ठीक है। और इनके जो थर्ड और फोर्थ वर्टिब्रा होता है वो फ्यूज नहीं होता। एग्जाम्पल लेबियो, ठीक है, इसके अंदर कॉमन एग्जाम्पल है। ये कार्प्स जो है वो आती हैं। सिलूरी जो है बॉडी नेकेड होती है, उसके ऊपर किसी तरह के स्केल प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनकी जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ कई बार फिफ्थ वर्टिब्री भी जो है आपस में फ्यूज्ड होती है। क्लैरियस है जिसको मोगूर बोलते हैं, मिस्टर्स है, टेंगा है, ये इनके अंदर आती है। अब आप देख सकते हैं इनके अंदर इस तरह का ये आपको कैप्रिनी है जो नॉर्मल दिखाई दे रही है, डेबियो रोहिता, ये जो है आपको अंदर क्लैरियस और मिस्टर्स फिशेज है इनके अंदर आप देखेंगे। ये बार्बल जो है वो प्रेजेंट है। डोर्सल फिन लॉन्ग है, ठीक है, डिवाइडेड होता है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। थर्ड जो ऑर्डर है दैट इज एंगुलीफॉर्मिस, जो कि बॉडी जो है इलोंगेट हो गई है, ईल लाइक या स्नेक लाइक आप देखेंगे इस तरह की बॉडी देखने को मिलती है। स्केल इसके ऊपर वेस्टिजियल होते हैं या एब्सेंट होते हैं। डोर्सल और एनल फिन जो है वो लॉन्ग हो जाता है और कन्फ्लुएंट पीछे ही जो है वो हो जाता है। पेल्विक फिन जो होती है अगर प्रेजेंट होती हैं तो एब्डोमिनल रीजन के अंदर होती हैं। फिन के ऊपर किसी तरह के कोई स्पाइन देखने को नहीं मिलते हैं। एयर ब्लैडर के पास डक्ट होती है, ठीक है, इसमें ये फ्रेश वाटर ईल है, मोरे है, आप ये मोरे का एक पिक्चर है देख सकते हैं, ये स्नेक लाइक जैसे दिखाई देते हैं। फिर है फोर्थ जो ऑर्डर है एथिरिनी फॉर्मिस, जिसको सेंटोग्रेंथी भी बोल देते हैं, इसको ग्रेंथी। इनके अंदर कहता है बॉडी इलोंगेटेड होती है और साइक्लोइड स्केल के द्वारा कवर्ड होती है। फिन्स के ऊपर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। पेक्टोरल फिन जो होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं और हाई ऑन बॉडी, ठीक है। वेंट्रल फिन जो है वो एब्डोमिनल रहते हैं।
some of which are capable of jumping into air or glide with the help of enlarged pectoral fin, जिसके कारण इनको फ्लाइंग फिशेस जो है वो बोला गया है। ये एक एक्सोसीटस की पिक्चर जो आप देख सकते हैं, उनका ये पेक्टोरल फिन जो है एनलार्ज हो जाता है और बड़ा हो जाता है बॉडी से, और ये इसको ग्लाइडिंग में, जंपिंग में हेल्प करता है। फिफ्थ जो ऑर्डर है दैट इज गैस्ट्रोस्टेनिफॉर्मिस, सोलिनो किथनीस, बॉडी जो है कवर्ड है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्केल, बोनी रिंग्स के द्वारा। स्नाउट जो है अब आप देखेंगे थोड़ी इलोंगेटेड हो गई है, पेल्विक फिन जो है वो एब्सेंट है और सिंगल डोर्सल फिन जो है वो प्रेजेंट होता है। फिन रेज ऑफ डोर्सल, पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो है वो ब्रांच्ड नहीं होते। टेल जो है वो प्रीहेंसाइल होती है, जैसे कि सी हॉर्स में भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये पाइप फिश का पिक्चर है, इसमें आप नहीं देख पा रहे हैं इस तरह की कोई टेल। एयर ब्लैडर क्लोज्ड होते, कोई डक प्रेजेंट नहीं होती है। मेल के पास ब्रूड पाउच होते हैं जो कि यंग की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और ये फाइसोक्लिस्टिक जो इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल जो है हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स जो आपने बहुत कॉमनली पिक्चर देखी हुई है, और ये सिंगनेथस है पाइप फिश। फिर आता है सिक्स्थ ऑर्डर जो है ओफियोसिफेलिफॉर्मिस, जिसको जेनिफॉर्मिस भी बोल देते हैं। बॉडी इसके अंदर साइक्लोइड स्केल के द्वारा ही कवर्ड रहती है। हेड जो है वो डिप्रेस्ड हो गया है, पहले आप देखेंगे ट्यूबुलर था, अब ये डिप्रेस्ड हो चुका है। कवर्ड विथ प्लेट लाइक स्केल, फिन जो होते हैं उनके ऊपर किसी तरह के कोई स्पाइन प्रेजेंट नहीं होते हैं। एयर ब्लैडर बहुत लंबा होता है और विदाउट डक्ट। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एयर ब्लैडर है ये फाइसोक्लिस्टिक ही होता है। एग्जाम्पल है ओफियोसिफेलस और चना, जिसको स्नेक हेड फिश बोलते हैं, इसका फेस जो है आपको स्नेक जैसा जो है वो दिखाई दे रहा है। सेवंथ जो ऑर्डर है दैट इज पर्सिफॉर्मिस या परकोमॉर्फी, टू डोर्सल फिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल जो पेल्विक फिन होता है वो थोरेसिक विद नॉट मोर देन सिक्स रेज, फिन जो है उनके ऊपर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में फिन्स के ऊपर जो है वो स्पाइन प्रेजेंट है। वेब्रियन अपरेटस जो है वो एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर के अंदर कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, यही फाइसोक्लिस्टिक होती हैं। एग्जांपल है एनावास, जिसको क्लाइंबिंग पर्च बोल देते हैं, या वर्सा येलो पर्च का नाम दे देते हैं। उसके बाद आता है एट्थ ऑर्डर है प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस, जो कि बॉटम ड्वेलर होते हैं, सी के बॉटम में देखने को मिलते हैं। बॉडी जो है इनकी फ्लैट होती है, लाइंग ऑन वन साइड, और अडप्टेड फॉर बॉटम जो है लिविंग के लिए। हेड जो है असिमेट्रिक होता है, क्योंकि हमने देखा कि एक ही साइड पे मूव करते हैं या वन ही साइड को वो यूज करते हैं, इसीलिए बोथ आईज जो है वो एक ही साइड पर, अपर और डोर्सल साइड पर जो है एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं। डोर्सल और एनल फिन जो है फ्रिंजिंग द बॉडी एंड अलोंग द कोडल इन सर्कल, आप देखेंगे ये डोर्सल और ये एनल फिन ये पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं और कोडल फिन तक जो है वो पहुंच जाते हैं। फिन्स यूजली विदाउट स्पाइन, यहाँ पर स्पाइन प्रेजेंट थे, यहाँ पर कोई स्पाइन आपको देखने को नहीं आ रहा है। सोलिया फ्लैट फिश है, प्लूरोनेक्टीज है, जो कि यहाँ पर इनका आई जो है आप देखेंगे दोनों साइड जो है एक ही तरफ आ जाती है। नाइन्थ जो है टेट्राडोंटिफॉर्म्स, जिसको प्लेक्टोग्नेथी भी बोल देते हैं। बॉडी जो है इनकी ग्लोबुलर है, आप पिक्चर में देख सकते हैं ग्लोबुलर सी बॉडी है।
बॉडी के स्केल जो है मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू स्पाइन, पूरी बॉडी के ऊपर आपको स्पाइन दिखाई देते हैं। स्क्यूट्स और बोनी प्लेट जो है वो कवर कर लेती हैं बॉडी को। स्ट्रॉन्ग जॉ प्रेजेंट होते हैं विद शार्प बीक। गिल स्लिट जो है वो स्मॉल लाइक अ होल ऑन आइदर साइड ऑफ फिश इन फ्रंट ऑफ पेक्टोरल फिन के पास। और वेंट्रल फाइन जो फिन जो होते हैं थोरेसिक हो या थब थोरेसिक हो सकते हैं। एयर ब्लेडर प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। इनकी बॉडी जो है इन्फ्लेट हो जाती है क्योंकि पानी को ये स्वॉलो कर लेते हैं। डायडोन है जिसको पॉर्क्यूपाइन फिश का नाम दे देते हैं। टेरोडोन है, ग्लोब फिश बोल देते हैं क्योंकि ग्लोबुलर बॉडी जो है इनकी होती है। उसके बाद जो ऑर्डर है दैट इज लोफिफॉर्मिस, जिसको पेडिकुलेटी भी बोल देते हैं। ये फर्स्ट रे ऑफ स्पाइनस डोर्सल फिन placed on head is transferred into fishing organ consisting of a rod and a lure called esca. ठीक है, इनका ये जो dorsal fin है ये modify हो जाता है into a rod and lure. ठीक है, mouth जो है वो बहुत ही बड़े size का होता है और long pointed teeth आपको देखने को मिल रहे हैं। बॉडी के ऊपर बहुत ही माइन्यूट स्केल हो सकते हैं लेकिन स्केललेस भी हो सकती है। पेल्विक फिन जो है वो प्रेजेंट और एब्सेंट कुछ भी हो सकता है। पेक्टोरल फिन जो है वो वेल डेवलप होते हैं। एयर ब्लैडर ऑल टुगेदर एब्सेंट होता है। ल्यूमिनिसेंट ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल लोफियस है, एंटीनेरिस है जिसको एंगुलर फिश का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्डर्स जो है, वैसे तो इसके जो इंफ्रा क्लास है इसको या जो सब ऑर्डर है इसको टेलिस्टोई को 30 ऑर्डर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। हमने मेन जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर थे उनको जो है वो डिटेल में स्टडी किया गया है। तो इसके साथ हमारा जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्ट्रिचेस, जिसको हमने ऑर्डर लेवल तक जो है वो कवर करना था। अब हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन एक्टिनोटर्गी और सार्कोटर्गी या कार्टिलेजिनस फिशेस और जो हमारी बोनी फिशेस हैं उनके बीच में हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। Thank you.